नमस्कार दोस्तों, मैं आज उत्तर प्रदेश की सन्नी सराय शुक्लागंज उन्नाव जिले में हूँ। आज मैं सायरा माई जी जो हैं हमारा मंगलमुखी मंडल में आज ज्वाइनिंग किए हैं और उनका डेरा जो है, डेरे के साथ साथ जो उनका जो भी जो एरिया है वो रजिस्ट्रेशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद करती है पूरे मंगलमुखी मंडल और वेलकम करती है। सुस्वागत है माँ जी, कैसे हो? आपको सुस्वागत है मंगलमुखी मंडल में। मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ जी, हाँ जी, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको कैसा लग रहा है मंगलमुखी मंडल में जुड़ते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मुझको मंगलमुखी मंडल में जोड़ने में। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, माँ जी मंगलमुखी मंडल को भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मंगलमुखी मंडल इसीलिए बना हुआ है। आप सबको पता है, आप भी इतने साल अपनी हमारी बिरादरी में काट लिए, सब कुछ हो गए, आखिर हमारा पहचान क्यों नहीं है? पहचान होना जरूरी है और पहचान के साथ साथ जो हमारी अपने जिजमान जो होता है, जो मंगलमुखी का जिजमान जो होते हैं, वही उनके पेरेंट्स होते हैं, वही उनके फैमिलीज होते हैं, अन्नदाता कहते हैं, वही सब कुछ है। जो हर मंगलमुखी अपने अंतरात्मा से जो दिलो जान से जो प्यार करने वाली बोले तो वो मंगलमुखी कहते हैं अपने जिजमानों को। तो आप अपनी समाज सेवा जैसे कुछ अपनी जो एरिया के अंदर कुछ किया है? जी, मैं अपने समाज सेवा करती हूँ। हाँ जी, गरीबों में शादी ब्याह कराती हूँ। अच्छा, लॉकडाउन में परेशान थी पब्लिक, 8-10 लाख रुपया घर घर जाके मुट्ठी मुट्ठी बांट के आई हूँ। अच्छा, हर साल कंबल बटवाती हूँ, लेकिन मैं वीडियो कभी नहीं बनवाती हूँ इस चीज का, ठीक है। और दान पुण्य तो मैं अक्सर ही करती हूँ, हमेशा ही करती हूँ, दरवाजे कोई आता खाली नहीं जाने देती हूँ। अच्छा माँ जी, देखो अभी एक शिक्षा जरूरी है जी, शिक्षा मतलब एजुकेशन जी। जो बहुत सारे बच्चे जैसे अपनी स्कूल तक पहुंच नहीं पाते, सिर्फ इसीलिए घर के गरीबी होती है तो फीस नहीं भर पाते हैं या नोटबुक्स नहीं खरीद पाते, और जो भी जो स्कूल में जैसे ज्योमेट्रीज हो गया, ज्योमेट्रीज के साथ साथ जो भी स्कूल की जो पेन या पुस्तक जो खरीदने नहीं होते हैं, वैसे लोग भी आते होंगे? ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास किताबें नहीं है, एडमिशन नहीं है, तो उनका भी वो मैं करवाती हूँ, लेकिन मैं ज्यादा वीडियो नहीं बनाती हूँ, है ना। मेरे बहुत इज्जत है यजमान में, बच्चा बच्चा मुझसे प्यार करता है, मैं सबके लिए खड़ी हूँ हर समय। सही, हर वक्त। देखिए दोस्तों, ये जो है हमारी जो मंगलमुखी मंडल वही है जिनको पहले हिजड़ा कहा जाता था, पहले किन्नर कहा जाता था। आप सब जानते होंगे अपनी एरिया के अंदर भी जो डेरा होंगे, जो किन्नरों का डेरा होंगे, वो भी मंगलमुखी हैं। मगर ये हमारा बुजुर्गों का ये कहना था कि बेटा तुम दान जिस साथ में करोगे उस साथ को नहीं पता लगना चाहिए, इस साथ में किया हुआ दान इस साथ में नहीं पता लगना चाहिए। पहले तो आप सबको पता है कौन सा प्रिंट मीडिया था, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था जो पहुंचाने के लिए, और पहले तो किन्नरों को तो पहले ही मतलब कुछ लोग तो ऐसे इग्नोर करते थे, तभी पता नहीं लगता था। इसके लिए हम सब पूरे मंगलमुखी मंडल, हमारी जो समाज सेवा है, हमने इसीलिए आप सबके सामने बता रहे हैं कि आप सभी का ही पैसा है जो आप सबके घरों में से जो हम बधाई लेके आते हैं या खुशी के मौके पे या शादी के मौके पे या बच्चा जमने के मौके पे आते हैं, जो आप जो दो धनराशि देते हैं वो धनराशि हम लोग हमारी पूरा कम्युनिटी ऐसा सदुपयोग करते हैं। और कैसा लगा दोस्तों? और माई जी और कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ मेरा हर साल सम्मान होता है, नगर पालिका में मजिस्ट्रेट आते हैं, वकील आते हैं, जज साहब आते हैं, हर साल मेरा सम्मान करते हैं। अच्छा, मैं 1977 से यहाँ बैठी हूँ। कितनी में? मैं 1977 से 1970। हाँ, यहाँ सब डेवलप होते मैंने देखा है, यहाँ बस्ती वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरे पैर छूते हैं, मैं सबके काम आती हूँ। अच्छा, देखिए 1970 मतलब 1970 से माई जी सायरा माई जी यहाँ हैं इस डेरे में, मतलब लगभग मतलब वही 53-54 ईयर्स हो गए जब से ये लगे हैं। मगर देखिए आप सबकी घर के आंगन की तुलसी हैं, समझ में आ गए? किसी के लिए तुलसी है और किसी के लिए हीना है, हीना मतलब मेहंदी है ना, हमेशा वो रंग लाती हैं और रंग वो रंग महकती हैं। तो हमेशा यही मंगलमुखी का काम है। कैसा लगा दोस्तों?
हम तो बहुत खुशी है कि हमारी अपनी सायरा माई जी हमारे मंगलमुखी मंडल में ज्वाइनिंग हो गई और बहुत बहुत दिल से सुस्वागत करती है काजल मंगलमुखी। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आप सबको अच्छा लगा ना। मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी, नमस्कार नमस्कार।